स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये स्वादिष्ट से नारियल और तिल के लड्डू हमने कैसे बना दिए। और सबसे अच्छी चीज़, ये बहुत ही आसान है बनाने और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, तिल के लड्डू हैं तो तिल चाहिए। एक कटोरी हमने तिल ले लिया है, यहाँ पे लगभग 200 ग्राम के होंगे, लेकिन मैंने कटोरी से ही नाप के सारी चीज़ ली है। एक कटोरी मैंने नारियल का बुरादा ले लिया है, तो ये दोनों मिक्स करके बनाएंगे हम। और हाफ कटोरी जो बूरा है वो ली है, यहाँ पे आप शक्कर या गुड़ जो आपकी मर्जी हो वो यूज़ कर सकते हैं। बस जब आप गुड़ यूज़ करेंगे तो उसमें घी बहुत ही कम यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी घी लिया है, तो ये सेम साइज़ की कटोरी हैं सारी। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे तिल हैं उसको हल्का सा रोस्ट करना है, बस ज़्यादा नहीं, 5 to 7 मिनट्स लगेंगे इसमें। और इसको मतलब जैसे ही हम कढ़ाई में डालेंगे तो इसको चलाना स्टार्ट कर देना, नहीं तो ये बहुत छोटे छोटे से दाने हैं और ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो इसको लगातार चला के और फिर ही पकाना है इसको। तो 5 मिनट हो गई हैं और ये हल्के हल्के ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे, मीडियम आँच पर ही पकाएंगे। अगर हम फुल गैस करेंगे तो भी ये बहुत जल्दी जल जाएंगे, तो मीडियम आँच पर बस इसको ऐसे चलाते हुए और पका लेना है। अब गैस बंद करके और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे, तो 8-10 मिनट लगेंगे इसको ठंडा होने में। और उसके बाद हम इसे मिक्सी में डालेंगे और पीस लेंगे। जब बचपन में घर पे बनाते थे तो जो हमाम दस्ता होता है उसमें कूट के काफ़ी मेहनत का काम होता था, तब बनाते थे, लेकिन अभी तो ये काम 5 सेकंड में हो जाएगा। सिर्फ गिनती के 5 सेकंड चलाना है इसको और ये मतलब दर दर ही से पीस जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि दाने बहुत मोटे हो गए हैं तो सिर्फ 5 सेकंड और घुमा दो इसे। बस ये हमारा जो तिल का बुरादा है वो रेडी है एकदम। और अब हम इसे उसी कढ़ाई में निकाल लेंगे और यहाँ पे जो बाकी हमारी चीज़ें हैं वो मिक्स कर देंगे। वाह 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 वाह। जब बचपन में घर पे खाते थे तो बस सीधा इसमें यहाँ पे मीठा मिला के और अपनी मर्जी से जिसको जितना घी चाहिए होता था उतना ऐड करके खा लेते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम सारे एक साथ बना रहे हैं तो ये नारियल का बुरादा मिक्स कर दिया है और इसमें मीठा ऐड कर दिया है। मीठा थोड़ा सा बचा लिया मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर या ज़्यादा मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं मीठे को, और घी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको घी ज़्यादा खाना पसंद नहीं है तो अगर कम घी डालेंगे तो सिर्फ एक चीज़ होगी कि इसके लड्डू नहीं बनेंगे। तो बस ये सब चीज़ें मिक्स करनी है अब हमें। अगर यहाँ पे अगर बूरा या खांड कुछ नहीं है आपके पास तो आप चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं। बस अब सब चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसके बांधेंगे लड्डू गोल गोल। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि इसके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा घी और डाल लीजिए, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो इसलिए घी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। तो एक काम और कर सकते हैं कि आप 5 से 7 मिनट के लिए इस सारे मिक्सचर को फ्रिज में रख दें। जब हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो इसके लड्डू फटाफट बन जाएंगे और बस इसी तरह से गोल गोल बना के और लड्डू रेडी कर लेने हैं। या फिर आप इसको ऐसे ही मतलब जो चूरा है इसी को किसी बॉक्स में भर के रख दो तो ये भी मतलब आप खा सकते हैं। इसमें सेम टेस्ट वही है क्योंकि मिक्सचर सारा सेम है। तो हमने आधे के लड्डू बना लिए हैं और आधा ऐसे ही फ्रिज में रख दिया है, तो ये आपके लड्डू एकदम रेडी हैं। लड्डू बन तो गए हैं, स्वादिष्ट भी लग रहे हैं। बट दोस्तों एक छोटी सजेशन है, अगर आप गर्मियों में तिल के लड्डू खा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इनका जो नेचर है ना वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो एक लड्डू ही दिन में खाएं, ज़्यादा ना खाएं। हाँ, सर्दियों में 2 या 3 भी चिपकाए जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।